कुछ लेट लग रही हो तुम कि मिली मिली कुछ लेट लग रही हो तुम मगर अब ग्रेट लग रही हो तुम। ना खाली हंसना नहीं, अगर मन करे तो ताली वाली बजा लेना। कि मिली कुछ लेट लग रही हो तुम मगर अब ग्रेट लग रही हो तुम। और जब से गर्लफ्रेंड छोड़ कर है गई, कि जब से गर्लफ्रेंड छोड़ कर है गई, ऑल्टरनेट लग रही हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। और चार पंक्तियां और देखिएगा। ये दुर्गेश बैठा है, इसे देख के ही लिखने के लिए मन किया था कि दिखी लड़की कोई अच्छी तो बाहें खोल देते हैं, कि दिखी लड़की कोई अच्छी तो बाहें खोल देते हैं, करें यूं प्यार से बातें कि मिस्री घोल देते हैं, करें यूं प्यार से बातें कि मिस्री घोल देते हैं, कि इनके आई लव यू का, कि इनके आई लव यू का नहीं कोई ठिकाना है, कि इनके आई लव यू का नहीं कोई ठिकाना है, करे पहली मना तो दूसरी से बोल देते हैं, करे पहली मना तो दूसरी से बोल देते हैं। और भाई अभी यहाँ पे बड़ा अच्छा संचालन कर रहे थे, बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, अब मिल नहीं रहे, उनके लिए चार पंक्तियां देखिएगा। वैसे वो होते तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोग उन तक पहुंचा देना। कि लगाकर काला चश्मा देखो टेढ़ी हेड करते हैं, कि लगाकर काला चश्मा देखो टेढ़ी हेड करते हैं, न जाने कैसे कर करके ये लड़की सेट करते हैं, न जाने कैसे कर करके ये लड़की सेट करते हैं, कि लगाकर काला चश्मा देखो टेढ़ी हेड करते हैं, न जाने कैसे कर करके ये लड़की सेट करते हैं। और मेरा कहना है एक भारत रत्न दिलवा दो इनको भी, कि मेरा कहना है एक भारत रत्न दिलवा दो इनको भी, बनाकर लड़की की आईडी जो लड़के चैट करते हैं, बनाकर लड़की की आईडी जो लड़के चैट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चार पंक्तियां और देखिएगा, भैया ने उनका जो स्थान लिया है आपके लिए चार पंक्तियां देता हूं। कि करें हर काम को ऐसे कि जो एक्सपर्ट करते हैं, बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं आप सभी लोग देख रहे हैं। कि करें हर काम को ऐसे कि जो एक्सपर्ट करते हैं, कभी ना जान करके ये किसी को हर्ट करते हैं, कभी ना जान करके ये किसी को हर्ट करते हैं, कि कॉन्फिडेंस तो इनमें, कि कॉन्फिडेंस तो इनमें भरा है कूट कर इतना, शक्ल है मूंगफली जैसी है फिर भी फ्लैट करते हैं। भाई देखो ताली वाली बजानी तो आगे से पीछे तक एक बार बजा दो, खाली है से हमारा पेट नहीं भरता। और चार पंक्तियां और रखता हूं उसके बाद। जिस तेवर के लिए स्वदेश यादव को जाना जाता है, दो मिनट एक छोटी सी रचना आपके बीच में रखूंगा। एक मुक्तक देखिएगा, जितनी भी लड़कियां बैठी हुई सबको समर्पित करता हूं एक बार में। जैसे जब दिल टूट जाता है ना लड़कों का, जैसे कई बार भैया का टूटा है, तो उसके बाद चार पंक्तियां जो निकलती हैं दिल से वो पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। कि हवा में उड़ रही हो इतना क्यों, कि हवा में उड़ रही हो इतना क्यों, हवाई जेट हो गई हो क्या, कि हवा में उड़ रही हो इतना क्यों, हवाई जेट हो गई हो क्या, और देख करके भी करती अनदेखा किसी से सेट हो गई हो क्या। भाई इतना ही था। अब ये तो चूंकि सब लोग, मुझे लगा के थोड़ा सा माहौल अलग टाइप का है, लेकिन एक दो मिनट की एक रचना आपके बीच में रखना चाहता हूं। अभी पिछली 14 फरवरी को एक कायराना हमला किया गया आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें लगभग मेरे देश के 44 बेटे शहीद हो गए। उसके बाद जब मैंने तिरंगे को देखा तो कहीं मुझे तिरंगे का वो हरा रंग दिखाई नहीं दिया, उसके चक्र का वो नीला रंग दिखाई नहीं दिया, पूरा तिरंगा रक्त रंजित दिखाई दिया। तब मैंने लिखने की कोशिश की, तिरंगे से जो बात की उसकी जो व्यथा कथा थी उसे अपनी कविता में पिरोने की कोशिश की। और ठीक इसके 13 दिन बाद जब मेरे देश के रणवांकुरे पाकिस्तान की सीमा में घुसे और लगभग 250 गीदड़ों को मारने के बाद वापस लौटे, तब मैंने फिर से तिरंगे से बात करने की कोशिश की और तिरंगे के मुझे तेवरों में परिवर्तन नजर आया, तिरंगा शान से लहराता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद फिर से मैंने अपनी कविता में उन भावों को पिरोने की कोशिश की। आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक ऐसे सुनिएगा कि 14 तारीख को वो कायराना हमला किया गया और 15 तारीख को आपका छोटा भाई स्वदेश यादव यहां पर खड़े होकर अपनी बात कह रहा है। और जब अंतिम चरण कविता का सुनाऊंगा तो उसे ऐसे सुनिएगा कि 26 तारीख को मेरे देश के बेटों ने बदला लिया और 27 तारीख को आपका छोटा भाई यहां पर खड़े होकर अपनी बात कह रहा, तब आप लोग अच्छे से जुड़ पाएंगे। कविता प्रारंभ करता हूं। क्या हालात थे तिरंगे के,
कि श्वेत के संग रंगधानी भी कहीं पर खो गया है, कि श्वेत के संग रंगधानी भी कहीं पर खो गया है, चक्र का वह रंग नीला भी कहीं गुम हो गया है। लग रहा जैसे तिरंगा क्रोध से हो तमतमाया, कि लग रहा जैसे तिरंगा क्रोध से हो तमतमाया, आंख से आंसू नहीं था रक्त को उसने बहाया, और खोलता शोणित कि खोलता शोणित तिरंगे का यही बस पूछता है, खो दिए हैं लाल इतने और बोलो क्या बचा है, कि खो दिए हैं लाल इतने और बोलो क्या बचा है। क्या अभी भी और कुछ होने को घड़ियां गिन रहे हो, कि क्या अभी भी और कुछ होने को घड़ियां गिन रहे हो, या अभी भी अच्छे दिन आने के सपने बुन रहे हो, या अभी भी अच्छे दिन आने के सपने बुन रहे हो। शत्रु ने ये घाव मुझको बहुत गहरे दे दिए हैं, कि शत्रु ने ये घाव मुझको बहुत गहरे दे दिए हैं, और मुझसे छीन करके लाल मेरे ले लिए हैं। ना कड़ी निंदा कि ना कड़ी निंदा, नहीं आलोचनाएं चाहता हूं, और ना ही शत्रु को देना क्षमाएं चाहता हूं। मेरे जो बेटे मरे कि मेरे जो बेटे मरे, उनकी कोई गलती नहीं है, और ऐसे कृत्य की माफी कोई बनती नहीं है, और ऐसे कृत्य की माफी कोई बनती नहीं है। तब तलक ये जिस्म मेरा लाल रंग का ही रहेगा, तिरंगा कह रहा है दोस्तों कि तब तलक ये जिस्म मेरा लाल रंग का ही रहेगा, और है धिक्कार तुमको शब्द बस ये ही कहेगा, और है धिक्कार तुमको शब्द बस ये ही कहेगा, जब तलक के खून के बदले नहीं तुम खून लोगे, और आताताइयों को गोलियों से भून दोगे, और आताताइयों को गोलियों से भून दोगे। जो लोग अभी भी खामोश हैं उन्हें हाथ खोलने का एक और मौका देता हूं अगली पंक्ति पे, कि आज मेरे जख्म पर मरहम सुनो ऐसे लगाना, कि आज मेरे जख्म पर मरहम सुनो ऐसे लगाना, कि आज मेरे जख्म पर मरहम सुनो ऐसे लगाना, मेरे एक एक लाल के बदले में सौ सौ शीश लाना, मेरे एक एक लाल के बदले में सौ सौ शीश लाना। और दोस्तों इसके बाद शायद मेरे देश के नेतृत्व ने मेरी बात सुनी और जोरदार जवाब पाकिस्तान को दिया गया। तब कहीं तिरंगे के जो परिवर्तित तेवर थे उन्हें आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। अब तिरंगे के क्या विचारों में परिवर्तन आया देखिएगा, कि आज मेरे जख्म पर मरहम सुनो ऐसे लगाना, मेरे एक एक लाल के बदले में सौ सौ शीश लाना। सह चुका था बहुत अब मैं और सह सकता नहीं था, कि सह चुका था बहुत अब मैं और सह सकता नहीं था, बिन लिए बदला शहादत का मैं रह सकता नहीं था, बिन लिए बदला शहादत का मैं रह सकता नहीं था, और सैनिकों को छूट दी कि सैनिकों को छूट दी, पूरी कहानी रोकाए, मेरे बेटे गीदड़ों को घर में घुसकर ठोकाए, मेरे बेटे गीदड़ों को घर में घुसकर ठोकाए। वैसे तो पैगाम हरदम शांति का देता रहा हूं, कि वैसे तो पैगाम हरदम शांति का देता रहा हूँ, लाडलों को प्रेम से बाहों में भी लेता रहा हूँ, लाडलों को प्रेम से बाहों में भी लेता रहा हूँ, पर मेरे सद्भाव को कोई मेरी कमजोरी समझे, कि पर मेरे सद्भाव को कोई मेरी कमजोरी समझे, और मेरे आचरण को वो मेरी मजबूरी समझे, और मेरे आचरण को वो मेरी मजबूरी समझे। तो तिरंगा आप सभी लोगों से एक निवेदन करता है, निवेदन स्वीकार हो जाए तो दोनों हाथ हवा में लहराते हुए देखना चाहता हूं, कि पर मेरे सद्भाव को कोई मेरी कमजोरी समझे और मेरे आचरण को वो मेरी मजबूरी समझे, तो समझ लो काल बनकर के तुम ही तांडव करोगे, तो समझ लो काल बनकर के तुम ही तांडव करोगे, शत्रु मर्दन के लिए पैदा तुम ही पांडव करोगे, धर्म रक्षा के लिए पैदा तुम ही पांडव करोगे, और कौरवों के व्यूह में कि कौरवों के व्यूह में अभिमन्यु सम तुम युद्ध करोगे, कंस का हर एक युग में कृष्ण बनकर वध करोगे, कंस का हर एक युग में कृष्ण बनकर वध करोगे। और जो एयर स्ट्राइक हुई उस पर अंतिम चार पंक्ति रख के अपना स्थान लेता हूं, कि अपने मन के वो पूरे करके अरमान चले आए, कि अपने मन के वो पूरे करके अरमान चले आए, लिया शहादत का बदला फिर वीर जवान चले आए, लिया शहादत का बदला फिर वीर जवान चले आए, और बैठ पाक की गोदी में कि बैठ पाक की गोदी में, जो पाक पाक चिल्लाते थे उनके सीने पर भी लिखकर हिंदुस्तान चले आए, उनके सीने पर भी लिखकर हिंदुस्तान चले। बहुत बहुत धन्यवाद।